तर नवी दिल्लीमध्ये मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी सोनिया गांधी यांची भेट घेतली आहे. यावेळी मध्य प्रदेशमध्ये चाललेल्या राजकीय परिस्थितीवर चर्चा झाल्याचं बोललं जातंय. दरम्यान माध्यमांशी बोलताना ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना राज्यसभेमध्ये पाठवण्याच्या प्रश्नावर कमलनाथ यांनी बोलण्याचं टाळलंय, तर भाजप सरकारवर त्यांनी जोरदार टीका केली आहे. आगे मम्मी मैं भोपाल जा रहा हूँ वापस, सबसे बैठ के हम आगे अपनी रणनीति बनाएंगे जी. इसमें कौन सी बड़ी बात है? राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर भी चर्चा हुई है सर? मेरी सब बातों पर चर्चा हुई है, इसमें राज्यसभा में कोई विवाद नहीं है. हाँ, सर्वसहमति से राज्यसभा का निर्णय होगा. नामों को लेकर कौन कौन जाएगा, नाम को चर्चा हुई सर? विजय सिंह, सिंधिया, ये बहुत सारे. मैंने कहा इसमें सर्वसहमति से सब हो रहा है, बड़े आराम से, बड़े सरल तरीके से सब हो जाएगा. भारतीय जनता पार्टी लगातार सब प्रदेश अध्यक्ष के बारे में भी क्या चर्चा हुई है, आखिर मंशा क्या है बीजेपी की? मंशा तो यही है कि उनसे रहा नहीं जा रहा, कि अब उनका खुलासा, वो सोचते हैं उनके 15 साल के जो कारनामे थे, उनके घोटाले थे, उसका खुलासा होने जा रहा है, इसीलिए वो बड़े परेशान हैं और चिंतित हैं. सर, विनय सहस्त्रबुद्धे कहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी जो गुटबाजी है उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे. पूरा प्रदेश जानता है कि मेरे प्रदेश में कोई गुट नहीं है.